बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पंजाब की सीमा के साथ लगते गांव सनोली, मुल्कपुरम, बनेलवाल व मजारा का दौरा किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने सीमावर्ती लोगों को बिजली, पानी इत्यादि के कनेक्शन में आ रही समस्याओं को सुना और मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर शीघ्र इसके स्थायी हल निकालने का आश्वासन भी दिया। सुखराम चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जनहित में कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं और इनका लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सुखराम चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा ऊना विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास करवाए गए हैं। कोई भी गांव सरकार की योजनाओं से वंचित ना रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बॉर्डर एरिया से साथ लगते गाँव वासियों की समस्याओं को जानकर उन्हें निपटाने का बीड़ा भी उठाया है, ताकि बॉर्डर एरिया से सटे लोग भी सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को धान फसल बेचने के लिए राज्य से बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए सरकार ने किसानों की धान फसल को घर द्वार पर खरीदने के लिए प्रदेश में कुल 11 धान मंडियां खोली हैं, जिसमें किसानों ने अपने धान काफी अच्छे दाम व सरलता से विक्रय किए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि ऊना विधानसभा क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या के निदान के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके तहत 100 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। लगते सबके सिग्नेचर मैंने वहां का है, राम कुमार जी के भी सिग्नेचर मैंने उसके ऊपर करवाए, पाल सत्ती जी के करवाए, वीरेंद्र कंवर जी के करवाए, आपके बलवीर जी के, राजेश जी के आर ठाकुर जी के, पम्मी के, अपने राजीव बिंदल जी के। मैं क्या, मैंने कहा किसानों को मिलता क्या? किसान की जमीन के ऊपर 132 केवी की लाइन गुजरती है और नीचे पेड़ नहीं लगा सकता, बच नहीं सकता, उसको कुछ मिलता नहीं है। 66 केवी की लाइन निकल गई, उसकी जमीन की वैल्यू कम हो जाती है। 33 केवी की लाइन निकल जाती है, उसकी जमीन की वैल्यू कम हो जाती है। परंतु जब किसान अपने खेत में उस जमीन की सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल का आवेदन प्राप्त करता देता है, तो उसको कनेक्शन लेने के लिए ट्यूबवेल की चार्जिंग देनी पड़ती है, बिजली की लाइन का खर्चा देना पड़ता है। तो ये फ्री होना चाहिए। हमने जगह जगह पर स्कीमें बनाने की कोशिश की, कहा प्रोफेसर राम कुमार जी ने 750 कनेक्शन हमने रिलीज किए, कुछ बचे हैं। 11 करोड़ की स्कीम हम और बना रहे हैं और हम उसको पास करवा देंगे। आपको सिंचाई के ट्यूबवेल की लाइन का खर्चा आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार में नहीं देना। अगर किसी के 10 पोल लग गए तो उसका कितना बच गया भाई? प्रीति जी कितना खर्चा आता है एक पोल लगाने में थ्री फेज का? तो 10 पोलों का मेरा गणित तो कमजोर था भाई, कंपार्टमेंट आती थी, जोड़ के बता दो कितना पैसा बना। 2 लाख रुपए हम उसको दे रहे हैं।